नमस्कार दोस्तों, सीएससी वेली हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं आपको कि ईपीएफओ में या यू कह लीजिए कि यूएन में या फिर पीएफ के पोर्टल में आप डेट ऑफ एग्ज़िट यानी एग्ज़िट मार्क कैसे अपडेट करेंगे। जी हां, ईपीएफओ के पोर्टल में कंपनी से जॉब से निकलने की तारीख आप कैसे अपडेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो वीडियो डालूं उनको नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। तो चलिए बात कर लेते हैं हम ईपीएफओ की। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक वेबसाइट ओपन कर लेना है जिसका यूआरएल है epfindia.gov.in। ये पीएफ का ऑफिशियल पोर्टल है और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा, ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र। ठीक है, इस ऑनलाइन क्लेम वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से पेज आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आपसे यूएएन नंबर मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा और ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, अगर आपने यूएएन नंबर पासवर्ड और कैप्चा तीनों सही से भरा है तो। अब यहाँ पे आपको लेटर पर क्लिक कर देना है, ठीक है, और इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो डैशबोर्ड पे यहाँ हमें तीसरे मेनू पे चले जाना है जो है मैनेज। मैनेज मेनू के अंदर आपको लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा मार्क एग्जिट का, ठीक है। तो मैनेज मेनू, उसके नीचे मार्क एग्जिट, इस पर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉयर आ जाएगा। तो जो भी एम्प्लॉयर है आपके यूएन के अंदर, सारे एम्प्लॉयर की लिस्ट यहाँ पे चली आएगी। जिस कंपनी, जिस एम्प्लॉयर के अंदर में आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना चाहते हैं आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये डिटेल्स आपका चला आएगा, मेंबर आईडी, इस्टेब्लिशमेंट नेम वगैरह सारा कुछ चलाएगा, डेट ऑफ बर्थ। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है डेट ऑफ एग्जिट। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक ही महीना दिखाएगा, मतलब पीएफ में जो लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ है बाय डिफ़ॉल्ट ये वही मंथ आएगा और यहाँ पे एक तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेंगे। जो डेट सेलेक्ट करेंगे आपको उसे कन्फर्म करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप आखिर जॉब छोड़ क्यों रहे हैं, आपने छोड़ा क्यों। ठीक है, जो भी कारण है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और रिक्वेस्ट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। डू यू रीड द पॉइंट केयरफुली? यस। ठीक है, अब पीएफ के अंदर, यूएन के अंदर जो भी आपका मोबाइल नंबर अपडेट रहेगा, दिया हुआ रहेगा, उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जनरेट हो जाएगा। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि ओटीपी जनरेट नहीं होता है, तो आपको वेट कर लेना है कि ओटीपी आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो आपको वेट करना है जब तक ये रेड वाला बटन येलो हो जाएगा, उसके बाद फिर से आपको रिक्वेस्ट मारनी है ओटीपी की। जब तक ओटीपी नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। अब जैसे ही ओटीपी आएगा उस ओटीपी को हमें यहाँ पे एंटर कर देना, बैठा देना है। अब यहाँ ऊपर कुछ नहीं करना है, इसे स्क्रॉल करके सीधे सेकंड पार्ट पे आ जाना है, पेज के नीचे की तरफ में चले आना है हमें। और यहाँ पे ऊपर एक थंब का इम्प्रेशन मिलेगा और नीचे सिर्फ कैंसिल का बटन है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है कि सिंपल, जैसे ही चेकबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे एक सबमिट का बटन बाय डिफ़ॉल्ट चला आएगा, हमें इस सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। ऊपर चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, फिर हमें सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। आर यू वांट टू अपडेट द डेट ऑफ एग्जिट? अपडेट, ठीक है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये लेने के बाद आपको एक मैसेज यहाँ पर दिख जाएगा, डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये आ गया, इसका मतलब फाइनल आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो गया है। अगर किसी भी कारण से ये फाइनल मैसेज आपको न मिले या ऐसा कुछ सक्सेस वाला स्क्रीन न दिखे तो आपको ये पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट करना है। हो सके तो आप इसे लॉग आउट करके फिर से आप लॉगिन कर लीजिए और इस पूरे प्रोसेस को आप रिपीट कीजिए। तो दोस्तों, ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो जहाँ पर मैंने आपको बताया कि यूएन में, ईपीएफ में अपडेट डेट ऑफ एग्जिट कैसे अपडेट करेंगे या फिर एग्जिट मार्क कैसे करेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।